नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिष्ट। सेंसर बोर्ड से संजय पूरन सिंह चौहान के निर्देशन में बनी फिल्म 72 हूरे पर बैन लगाने की मांग की गई है। कहा गया है कि फिल्म का कंटेंट विषय समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है और फिल्म पर शुरू हुए विवाद पर संबल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बड़ा बयान दिया है। जानिए क्या कहना है सपा सांसद का इस रिपोर्ट में। फिल्म 72 हूरे के विवाद में अब संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क भी कूद गए हैं। उन्होंने फिल्म को मनगढ़ंत बताया। सपा सांसद ने कहा कि इस तरह की फिल्में लगाकर मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। शफीकुर रहमान बर्क ने चेतावनी दी कि मुसलमानों के धार्मिक मामलों में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इस्लाम के हवाले से बताया कि अच्छे अमाल से जन्नत में हूरे मिलने का जिक्र है, लेकिन किस तरह मिलेगी इसका विवरण नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की फिल्में मुसलमानों के मजहब में खुल्लम खुल्ला दखलंदाजी है और मुसलमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। बता दें कि 72 हूरे का टीजर रिलीज होने के साथ ही फिल्म पर विवाद का साया मंडरा रहा है। रिलीज से दो दिन पहले फिल्म के खिलाफ सेंसर बोर्ड में शिकायत दर्ज कराई गई थी। सेंसर बोर्ड से संजय पूरन सिंह चौहान के निर्देशन में बनी फिल्म पर बैन लगाने की मांग की गई है। कहा गया है कि फिल्म का कंटेंट विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। द केरला स्टोरी के बाद आतंकवाद पर बनी 72 हूरे दूसरी विवादित फिल्म है। दावा है कि 72 हूरे धर्मांतरण और आतंकवाद की काली दुनिया के भयावह सच को उजागर करती है। हालांकि सेंसर बोर्ड को दी गई शिकायत में कहा गया है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन ये भी ध्यान रखा जाए कि संविधान में दिए गए अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया जाए। मुंबई के गोरेगांव थाने में भी सैयद अरिफाल महमूद अली नाम के व्यक्ति ने शिकायत दी है। उन्होंने 72 हूरे के निर्देशक और निर्माता पर धर्म का अपमान करने, भेदभाव करने, नफरत को बढ़ावा देने और जनता के बीच मुस्लिम समुदाय की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। बहत्तर हूरे का टीजर रिलीज होने के साथ ही फिल्म पर विवाद छिड़ गया है और अब फिल्म रिलीज होने तक विवादों में है। वहीं आपको बता दें कि द केरला स्टोरी के बाद आतंकवाद पर बनी 72 हूरे दूसरी विवादित फिल्म बन गई है, लेकिन विवादों के बाद भी द केरला स्टोरी ने ताबड़तोड़ कमाई की थी। अब देखना ये है कि ये फिल्म क्या रंग लाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।